वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? टिथ के बारे में। टिथ का जो मेन फंक्शन क्या है, क्या होता है टिथ, क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है? तो टिथ क्या करता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर टिथ जो है वो क्या करता है, अपनी जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है डाइजेशन की, वो किसके द्वारा कंप्लीट होती है? अपने टिथ के द्वारा क्या है वो कंप्लीट होती है। अपना जो डाइजेशन है वो कितनी प्रोसेस में कंप्लीट होता है? एक केमिकल प्रोसेस होती है और एक अपनी क्या होती है, मैकेनिकल प्रोसेस। तो जो मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो किससे कंप्लीट होती है? अपनी टिथ के द्वारा जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस कंप्लीट होती है। किसकी? डाइजेशन की। टिथ क्या करता है? जो अपन ने फूड ईट किया, ठीक है, जिस फूड को अपन ने इनटेक किया, उस फूड को क्या करेगा टिथ? उसको क्या करेगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है वो क्या है? इसकी मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो उसी से उसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन क्या है, एक बार पीछे का जो अपना लेक्चर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कहाँ तक पढ़ चुके हैं अपन? लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था माउथ के बारे में पढ़ा था, और अपना जो टंग है उसके बारे में अपन ने क्या है, डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर को एक बार अपन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है? अपनी माउथ की स्ट्रक्चर है। माउथ की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं? इसके अंदर टीथ दिखाए गए हैं अपने, सोर्ट पैलेट दिखाया गया है, ठीक है, फेरेंजियल आर्ट्स दिखाया गया है, टॉन्सिल्स दिखाए गए हैं, फेरिंग्स दिखाए गए हैं, टंग दिखाई गई है और लोअर लिप्स दिखाए गए हैं। ये क्या है अपनी स्ट्रक्चर है किसकी? वाइडली ओपन माउथ की क्या है, स्ट्रक्चर है। जो माउथ है अपना वो क्या है? माउथ इज ए ओरल कैविटी। माउथ क्या है? माउथ और ओरल कैविटी। माउथ को अपन क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाई मसल्स और बोन। तो अपना जो माउथ है और जो ओरल कैविटी है वो किस चीज से मिलके बना होता है? मसल्स और बोन से मिलके क्या है अपना माउथ जो है वो बना हुआ होता है। देन अपन बात करते हैं एंटीरियरली में। तो अपना जो माउथ है उसके एंटीरियरली में क्या चीज मिलती है अपने को? लिप्स प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर क्या है, पोस्टीरियर भाग की अगर अपन बात करें तो पोस्टीरियर भाग के अंदर क्या है अपना जो ओरोफेरिंग्स है वो क्या है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है अपना, लेटरली, लेटरली की बात करें तो क्या है, मसल्स ऑफ द चिक्स, जो अपने चिक्स की जो मसल्स है वो क्या है, प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सुपीरियरली की, तो सुपीरियरली में क्या प्रेजेंट होता है, बाय द बोनी हार्ड पैलेट एंड मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट। जो अपना बोनी हार्ड पैलेट है और जो मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट है वो क्या है, अपना जो माउथ है, ओरल कैविटी है, उसके सुपीरियरली भाग में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देन अपन बात करते हैं इंफीरियरली की, इंफीरियरली में क्या है, मस्कुलर टंग एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। जो अपने सॉफ्ट टिश्यू किसके, माउथ के फ्लोर के, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, अपनी जो ओरल कैविटी के इंपीरियरली भाग के अंदर क्या है, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, द ओरल कैविटी इज लाइन थ्रू आउट विज म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथिलियम कनेक्टिंग स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। जो अपनी ओरल कैविटी है, ठीक है, वो किससे मिलके बनी होती, किसके लाइनिंग किसकी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, और वो बनती किससे है, स्क्यूमस एपिथिलियम जो है उससे क्या है, मिलती है, और कंटिन्यू किससे रहती है, कनेक्ट किससे रहती है, स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग, जो म्यूकस सिक्रेट करने वाली जो ग्लैंड है उनसे क्या है, कंटिन्यू रहती है, यानी उससे कनेक्टेड रहती है। द पार्ट ऑफ द माउथ बिटवीन द गम्स एंड द चिक्स इज द
वेजिटेबल एंड रिमाइंडर ऑफ द केविटी इज द माउथ प्रॉपर। जो गम्स क्या होते हैं, जो अपने मसूड़े जो होते हैं वो क्या है, जो अपने चिक हैं और माउथ हैं उनके बीच में क्या है, एल्वोलाइज प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द चिक एंड द लिप्स इज रिफ्लेक्टेड ऑन द गम्स और एल्वोलाइज एंड कंटिन्यूस विद द स्किन ऑफ द फेस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, अपनी टंग दिखाई गई है। तो टंग के अंदर क्या क्या चीज दिखाई गई है, फ्रेन्यूलम दिखाया गया है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लोअर लिप्स हैं और इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग है। ये सारा के सारे क्या है अपने इस डायग्राम के अंदर प्रेजेंट है। टंग क्या है, द टंग इज ए वॉलेंट्री मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। टंग क्या है, एक वॉलेंट्री मस्क्यूलर क्या है स्ट्रक्चर होती है, विच ऑक्यूपाइज द फ्लोर ऑफ द माउथ। जो कहां पे रहती है, विच ऑक्यूपाइज द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो अपनी माउथ की जो फ्लोर है वहां पे क्या है वो प्रेजेंट होती है। देन आफ्टर क्या आता है अपना, इट इज अटैच्ड बाई इट्स बेस टू द हायोड बोन एंड ए फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड द फेरिनुलम टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये किससे अटैच रहती है, बेस ऑफ द हायोड बोन, जो अपना हायोड बोन का जो बेस है वहां से क्या है ये अटैच रहती है, एंड बाई ए फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग, जो और इस पे क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेरिनुलम अपन बोलते हैं। The superior surface consists of certified squamous epithelium with numerous papilla connecting nerve ending of the sense of taste, sometimes called taste buds। यानी यहाँ पे जो squamous epithelium है वहाँ पे क्या है nerve ending present रहती हैं, ठीक है, छोटी छोटी क्या है numerous nerve ending present रहती हैं, जो क्या करती हैं अपने को taste का sensation कराती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, taste buds अपन बोलते हैं। देन आफ्टर आती है इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करते हैं तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है, द मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टंग इज बाई लिंगल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो जो अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है उसकी कौन सी ब्रांच है, लिंगल ब्रांच, ठीक है, जो लिंगल ब्रांच है किसकी ब्रांच है, अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांच है वो क्या करती है, अपनी टंग को ब्लड सप्लाई करती है, कौन सी, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है। देन आफ्टर अपनी आती है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज कौन करता है, द वीनस ड्रेनेज इज बाय द लिंगुअल वेन, जो अपनी लिंगुअल वेन जो है वो क्या करती है, वीनस ड्रेनेज करती है, और वो जो लिंगुअल वेन है वो किससे कनेक्ट रहती है, इंटरनल जुगलार वेन, जो अपनी इंटरनल जुगलार वेन जो है उससे क्या है वो, जो आपकी लिंगुअल जो वेन है वो कनेक्ट रहती है, यानी कि जो वो ब्लड वहां से लेगी, लेने के बाद किसके पास लेके जाएगी, इंटरनल जुगलार वेन के पास वो ब्लड लेके जाएगी। देन आफ्टर आती है इसकी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई कौन करता है, फर्स्ट क्या है, जो आपकी हाइपोग्लोसल नर्व है, जो 12 नंबर की जो नर्व है वो क्या है सप्लाई करती है किसको, जो अपने वॉलेंट्री मसल्स जो टिश्यू होते हैं टंग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या है वो ब्लड सप्लाई करती है। देन आफ्टर अपना क्या आता है, द लिंगल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, जो अपने लिंगल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व है वो किसको सप्लाई करते हैं, विच आर द नर्व ऑफ सोमेटिक सेंसेशन। ये क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर जो सोमेटिक सेंसेशन होते हैं उस चीज के लिए क्या है, लिंगल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व है वो क्या है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कौन से होते हैं अपने बॉडी के अंदर सोमेटिक सेंसेशन, लाइक पेन, टेम्परेचर, टच, ये सारे के सारे क्या है अपने सोमेटिक सेंसेशन होते हैं। देन आफ्टर क्या आता है अपना फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो अपनी फेशियल और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है वो अपनी जो सेवंथ और नाइन्थ जो क्रेनियल नर्व जो है, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो अपना सेंसेशन है किसका, टेस्ट का,
जो अपना स्पेशल सेंसेशन होता है किसका, टेस्ट का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, वो क्या है, दोनों की दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है। देन आफ्टर क्या आता है अपना, फंक्शन ऑफ द टंग। तो टंग के कौन से फंक्शन है, सबसे पहले चबाने का, ठीक है, निगलाने का, बोलने का, टेस्ट का, ये सारे के सारे क्या है अपने टंग के फंक्शन है। देन आफ्टर अपन बात करते हैं किसकी, टिथ की, जो आज का क्या है अपना टॉपिक है। टिथ क्या है, टिथ जो अपने डाइजेशन के अंदर मैकेनिकल प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, टिथ होता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ द टिथ। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है टिथ, जो अपने बॉडी के जो अपना डाइजेशन जो है उसके अंदर मैकेनिकल जो प्रोसेस है, मैकेनिकल डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टिथ रिस्पॉन्सिबल होता है। द इंसिजर एंड कैनाइन टिथ आर द कटिंग टिथ, दे आर यूज फॉर बाइटिंग ऑफ पीसीज ऑफ द फूड। यानी कि ये क्या करते हैं, जो अपना फूड है उसको क्या है, ये कटिंग टिथ होते हैं, यानी कि काटने का काम करते हैं, ठीक है। जो अपन ने फूड इनटेक किया उसको क्या है, छोटे छोटे पीसीज के अंदर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। वेयर एज द प्रीमोलर एंड मोलर टिथ विद ब्रॉड फ्लैट सर्फेस आर यूज फॉर च्यूइंग फूड। जो क्या है यहाँ पे क्या है, मोलर और प्रीमोलर, ठीक है, इनकी क्या है, बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है, और इनकी फ्लैट सरफेस होती है जो क्या करते हैं अपनी जो फूड को चबाने में क्या है, हेल्पफुल होते हैं। देन आफ्टर इसके आती है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहले क्या है अपनी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है, जो अपनी मैक्सिलरी आर्टरी है, जो अपनी मैक्सिलरी आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है, टिथ को ब्लड सप्लाई करती है। मैक्सिलरी आर्टरी क्या करती है, जो अपने टिथ हैं उनको क्या है, ब्लड सप्लाई करती है। देन आफ्टर आता है अपना वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज का मतलब क्या है, जो अपने ब्लड सप्लाई की थी उससे जो रिटर्न लेने लेके आने का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है अपना, वीनस ड्रेनेज होता है। तो क्या है, इंटरनल जुगलार वेन की जो क्या है ब्रांचेज होती हैं वो क्या करती हैं अपना, जो वीनस ड्रेनेज लेके आती हैं। देन आफ्टर आती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन करता है, किसको, टिथ को। द नर्व सप्लाई टू द अपर टिथ इज बाई मैक्सिलरी नर्व। यानी कि जो अपनी मैक्सिलरी नर्व है वो क्या करती है, जो अपने अपर टिथ है उनको क्या है, नर्व सप्लाई करती है। एंड टू द लोअर टिथ बाई द ब्रांचेज ऑफ मैंडिबुलर नर्व। जो अपनी मैंडिबुलर नर्व की जो ब्रांचेज है वो क्या करती है, जो अपने लोअर टिथ है उनको क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। तो अपर जो टिथ है उनको कौन सप्लाई करता है, जो अपनी मैक्सिलरी नर्व है वो क्या करती है, सप्लाई करती है। और जो लोअर टिथ है उनको कौन सप्लाई करता है, मैंडिबुलर नर्व जो है वो क्या करती है, अपने जो लोअर टिथ है उनको सप्लाई करती है नर्व। दीज आर बोथ ब्रांचेज ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ये दोनों के दोनों क्या है, जो अपने फिफ्थ क्रेनियल नर्व है उसकी क्या है, ब्रांचेज है। देन आफ्टर क्या आती है अपनी सेलाइवरी ग्लैंड्स। सेलाइवरी ग्लैंड्स कौन से ऑर्गन होते हैं, जो अपने एसेसरी ऑर्गन जो है वो क्या है, सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। सेलाइवरी ग्लैंड फॉर देयर सिक्रेशन इनटू द माउथ। सेलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सिक्रेशन करती है, कहां पे, माउथ के अंदर सिक्रेशन करती है। देर आर थ्री इन पेयर। तो अपनी जो सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तीन ग्लैंड्स होती हैं, किसके अंदर, पेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सब लिंगुअल ग्लैंड है। तो जो अपनी सेलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या है, अपनी असेसरी ऑर्गन्स के अंदर क्या है, अपनी जो सेलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं। फर्स्ट क्या होती है, अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है। देन आफ्टर क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपनी
असेसरी ऑर्गन होते हैं, तो असेसरी ऑर्गन के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या है अपनी असेसरी ऑर्गन होते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, तीन होती हैं किस, और ये तीनों के तीनों क्या है पैर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले क्या अपनी पैरोटिड ग्लैंड होती है, देन आफ्टर अपनी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, देन आफ्टर अपनी कौन सी होती है सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती है। ये क्या है अपनी तीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है अपनी पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, ये सेक्रेटरी सेल है, ये एक्नी है, ये डक्ट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये मसल्स ऑफ द चिक्स हैं, ये टंग है, ये ओपनिंग ऑफ द सबमैंडिबुलर डक्ट दिखाया गया यहाँ पे, यहाँ पे ये सबलिंगुअल ग्लैंड दिखाई गई है, यहाँ पे ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड दिखाई गई है, ठीक है। तो अपनी जो ग्लैंड है वो कौन सी थी, पैरोटिड ग्लैंड ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। देन आफ्टर क्या है अपनी सबलिंगुअल ग्लैंड ये यहाँ पे प्रेजेंट है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट जो आपका ए नंबर का जो डायग्राम है इसके अंदर क्या दिखाया गया है, पोजीशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, जो अपने तीनों के तीनों जो ग्लैंड्स हैं वो कैसे कैसे पोजीशन के अंदर सिचुएटेड होती है। तो ये क्या है यहाँ पे अपनी क्या है ओपनिंग ऑफ द सबमैंडिबुलर डक्ट प्रेजेंट है, इसके पास में क्या अपनी सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स हैं। सेकेंड क्या है, ये जो अपनी ग्लैंड्स हैं ये क्या है इनलार्ज पार्ट ऑफ द ग्लैंड्स, यानी कि इनलार्ज पार्ट जो है ग्लैंड्स का वो कौन सा है अपना जो बी डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। तो अपनी जो असेसरी ऑर्गन है उसके अंदर फर्स्ट क्या अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या करती हैं सिक्रेशन करने के में हेल्पफुल होती है, वो क्या करती हैं सिक्रेशन करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। तो ये कितनी होती हैं, ये तीन ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या है पैर के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले क्या आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, देन आफ्टर क्या आती है अपनी सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स आती हैं, और आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड्स आती हैं। ये क्या है तीनों की तीनों आपकी ग्लैंड हैं। देन आफ्टर क्या अपनी सब पैरोटिड ग्लैंड, सबसे पहली जो ग्लैंड है वो कौन सी अपनी पैरोटिड ग्लैंड होती है, दीज आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। अपन ने सबसे पहले क्या बात की थी, ये पैर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है जो अपना ईच साइड यानी कि प्रत्येक साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड के अंदर क्या है एक एक पैरोटिड ग्लैंड क्या है प्रेजेंट होती है। ईच ग्लैंड हैज ए पैरोटिड डक्ट ओपनिंग इन टू द माउथ एट द लेवल ऑफ सेकेंड अपर मोलर टूथ, यानी क्या है प्रत्येक जो ग्लैंड है वो क्या रखती है पैरोटिड डक्ट रखती है, ठीक है, और वो डक्ट की ओपनिंग कहाँ पे होती है अपना जो माउथ है उस माउथ के अंदर क्या है उसकी ओपनिंग होती है एट द लेवल ऑफ सेकेंड अपर मोलर टूथ, जो अपने सेकेंड अपर मोलर टूथ जो है वहां पे क्या है अपनी जो पैरोटिड ग्लैंड के जो डक्ट है उनकी क्या है ओपनिंग होती है। तो अगर पैरोटिड ग्लैंड की अपन बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड क्या है, पैरोटिड ग्लैंड अपनी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर क्या है फर्स्ट ग्लैंड्स हैं, ये पैर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों के अंदर क्या है ये प्रेजेंट होती है। दीज आर सिचुएटेड ऑन ए ईच साइड ऑफ द फेस, जो अपना फेस उसके प्रत्येक साइड के अंदर क्या है ये प्रेजेंट रहती है। ईच ग्लैंड हैज ए पैरोटिड डक्ट, प्रत्येक ग्लैंड क्या रखती है पैरोटिड डक्ट रखती है, ठीक है, ओपनिंग इन टू द माउथ एट द लेवल ऑफ सेकेंड अपर मोलर टूथ, जो अपना सेकेंड अपर मोलर टूथ है वहां पे क्या है जो अपनी पैरोटिड डक्ट है वो क्या है ओपनिंग होती है, वहां पे क्या है उसकी ओपनिंग होती है। देन आफ्टर क्या है अपनी सेकेंड ग्लैंड, सेकेंड ग्लैंड कौन सी है अपनी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या है अपनी सेकेंड ग्लैंड है। These lies on the each side of the face under the angle of the jaw, यानी कि अपन ने डायग्राम के अंदर देखा था प्रत्येक साइड के अंदर क्या है प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट होती है, और अंडर द एंगल ऑफ द जॉ, जो अपना जॉ है जबड़ा जो है उसके नीचे क्या है
ये प्रेजेंट होती है। द टू सबमैंडिबुलर डक्ट ओपन इन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ ऑन वन ईच साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग। दो सबमैंडिबुलर डक्ट जो हैं, वो क्या है, ओपन होती है कहां पे, ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, अपना जो माउथ है ठीक है उसके फ्लोर के अंदर क्या है, ओपन होती है। वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम, जो अपना टंग का जो फ्रेन्यूलम जो है ठीक है वहां पे क्या है, ये डक्ट जो है ओपन होती है। देन आफ्टर अपनी आती है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कौन सी है, जो अपना थर्ड जो ग्लैंड है वो कौन सी है, सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या है, दीज ग्लैंड लाइज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। दीज ग्लैंड लाइज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन, ये ग्लैंड कहां पे है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहां पे क्या है, प्रेजेंट होती है। दीज ग्लैंड लाइज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ इन फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, यानी कि अपने डायग्राम में देखा था अपनी जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड ठीक है। दे हैव न्यूमेरियस स्मॉल डक्ट दैट ओपन इन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी कि क्या है, यह भी न्यूमेरियस, इनके अंदर क्या है डक्ट जो है वो क्या है, न्यूमेरियस होती हैं ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, कहाँ पे जाके ओपन होती हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ, जो अपने माउथ का जो फ्लोर है वहां पे क्या है, ओपन होते हैं। तो अपन एक बार से अपनी जो ग्लैंड्स हैं उनको क्या है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कौन सी ग्लैंड है। तो अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कितनी होती हैं, तीन ग्लैंड्स होती हैं अपनी, ये क्या है, तीन ग्लैंड्स होती हैं जो क्या है पैर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, सबसे पहले क्या है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। देन आफ्टर क्या होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सेकंड कौन सी है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। थर्ड कौन सी है अपनी, सबलिंगुअल ग्लैंड है। फर्स्ट कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड हो गई, सेकंड क्या है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो गई, थर्ड क्या है आपकी, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई। ये क्या है, डायग्राम है, डायग्राम के अंदर क्या है आपकी पैरोटिड डक्ट दिखाई गई है ठीक है, जो क्या है दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट होती है, लेफ्ट और राइट साइड में। देन आफ्टर क्या है, अपनी सबलिंगुअल ग्लैंड्स दिखाई गई है और अपनी सबमैंडिबुलर ग्लैंड दिखाई गई है, तीनों की तीनों ग्लैंड्स की क्या है पोजिशन जो है वो दिखाई गई है आपके ए डायग्राम के अंदर। देन आफ्टर क्या अपनी पैरोटिड ग्लैंड है ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड क्या है, कहां पे प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस, अपना जो फेस है ठीक है उसके दोनों हिस्सों के दोनों साइड के अंदर क्या है ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, ईच ग्लैंड हैज ए पैरोटिड डक्ट ओपनिंग इन टू द माउथ ऑफ द ओपनिंग इन टू द माउथ एट द लेवल ऑफ
सेकेंड अपर मोलर टूथ, जो अपनी सेकेंड अपर मोलर टूथ जो है वहां पे क्या है, जो अपनी पैरोटिड ग्लैंड है वो क्या रखती है, पैरोटिड डक्ट रखती है, वो उनकी क्या है, ओपनिंग होती है वहां पे। देन आफ्टर क्या आती है अपनी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यानी कि जो सेकेंड ग्लैंड है वो कौन सी, अपनी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। उसके अंदर क्या होता है, दीज लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जा, यानी कि जो अपना जा का एंगल है वहां पे क्या है, दोनों साइड के अंदर जो अपनी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो क्या है, प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्या है, द टू सब मैंडिबुलर डक्ट ओपन इन टू द फ्लोर ऑफ माउथ, जो अपनी माउथ की जो फ्लोर है वहां पे क्या है, इनकी जो डक्ट है उनकी क्या है, ओपनिंग होती है। प्रत्येक साइड में किसके, जो अपनी टंग की जो फेरिनुलम जो है, जिस जो पार्ट जो क्या है मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, वहां पे क्या है, जो डक्ट है इनकी क्या है, ओपनिंग होती है। थर्ड क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है, दीज ग्लैंड इज लाइज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो अपने माउथ की फ्लोर है वहां पे क्या है, ये प्रेजेंट होती है इन फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जो अपनी सबमैंडिबुलर ग्लैंड है उनके क्या है, फ्रंट भाग के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट होती है। दे हैव न्यूमेरियस स्मॉल डक्ट दैट ओपन इन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी डक्ट जो है प्रेजेंट होती है और क्या है, ओपन होती है कहां पे, फ्लोर ऑफ द माउथ, जो अपने माउथ का जो फ्लोर है वहां पे क्या है, ओपन हो जाती है। देन आफ्टर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या है, सराउंडेड बाई ए फाइब्रस कैप्सूल, जो अपना फाइब्रस कैप्सूल है उसके क्या है, सराउंडेड यानी कि उससे क्या है, गिरी हुई रहती है। दे कंसिस्ट ऑफ ए न्यूमेरियस लोब ऑफ मेड अप द स्मॉल एक्नी लाइन विद द सेक्रेटरी सेल, जो क्या है, जो अपनी सेक्रेटरी सेल है जो सिक्रेशन करती है वो क्या है, बहुत सारी होती है और उनसे क्या है, ये बनी हुई रहती है। द सिक्रेशन आर पावर्ड इन टू डक्ट विच ज्वाइन अप द फॉर्म ए लार्ज डक्ट लीडिंग इन टू द माउथ, छोटी छोटी डक्ट क्या है वो क्या है, ज्वाइन करती है किसको, बड़ी डक्ट को, ठीक है, किसके अंदर, माउथ के अंदर। देन आफ्टर क्या है, ब्लड सप्लाई। तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या है, ब्लड सप्लाई ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, जो अपने सलाइवरी ग्लैंड्स जो है उनकी अपन ब्लड सप्लाई के बारे में जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।